एक बार फिर से आपको बता दें कि अमेज़न दुनिया भर में सबसे मशहूर होने वाले अमेज़न ब्रांड को लेकर अमेज़न के सीईओ के तौर पर सालों से कार्यरत रहे जेफ बेजोस को लेकर तमाम खबरें आ रही हैं। जेफ बेजोस जो कि करोड़ों करोड़ों की कमाई कर चुके हैं, इस कंपनी से जुड़ने के बाद वो सीईओ अपना पद छोड़ रहे हैं जुलाई में, तो उनकी जगह अमेज़न की कमान संभालने के लिए आ रहे हैं नए एक मालिक, नए सीईओ 5 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा देंगे जेफ बेजोस। और इस पद को छोड़ने के बाद वे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे और नए सीईओ के पद पर रखेंगे अपना कदम एंडी। जी हां, एंडी का नाम नए सीईओ के तौर पर दर्ज हो रहा है इस पद के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीईओ के तौर पर सबसे ज़्यादा अपना नाम रोशन करने वाले जेफ बेजोस के बारे में बात करें तो साल 1994 से 5 जुलाई को इसी तारीख से अमेज़न से वो जुड़े थे। 27 साल बाद वो इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनकर वो फिर भी जुड़े रहेंगे। जेफ बेजोस के बाद नए पद नए सीईओ के तौर पर जो हैं कौन संभालेगा ये जिम्मा, इसके लिए एंडी नाम के इस शख्स की जो जिम्मेदारी बढ़ी है उसके बारे में आपको बता दें। 179.2 अरब डॉलर की जो संपत्ति दुनिया के सबसे रईस शख्स के पास है और वो शख्स जेफ बेजोस है। तो उस जेफ बेजोस की रिटायरमेंट नहीं हो रही है, यही है सच। और ब्लू ओरिजिन द वॉशिंगटन पोस्ट पर वो फिर भी काम करते रहेंगे, काफ़ी संभावनाएं ये हैं। फरवरी में अमेज़न के कर्मचारियों को लिखी एक चिट्ठी में जेफ बेजोस ने ये कहा था, अमेज़न पहलों में लगे रहेंगे वो महत्वपूर्ण के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि उनकी जगह पर एंडी को यहाँ पर रखने का जो फैसला लिया गया है, इस फैसले को लेकर सभी उनके पक्ष में हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि अमेज़न के क्लाउड कम्यूटिंग बिजनेस को संभाल रहे एंडी के बारे में बताया जाए तो एक पत्र में एंडी को लेकर ये कहा गया कि वो इस पद के लिए आगे बढ़े, शानदार वो लीडर हैं और अमेज़न का सीईओ बनना इस बात को दर्शाता है कि अमेज़न की क्लाउड बिजनेस उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अमेज़न की शुरुआत साल 1994 में, एंडी ने साल 1997 में से ज्वाइन किया। एंडी ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए किया है। बताना चाहेंगे हम आपको, साल 1997 में एंडी ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में परीक्षा दी आखिरी और फिर सोमवार को उन्हें अमेज़न ज्वाइन करने का मौका मिला। साल 2006 में एंडी ने अमेज़न वेब सर्विसेज की स्थापना की और अमेज़न वेब सर्विसेज का मुकाबला माइक्रोसॉफ्ट के अज़ूर और अल्फाबेट के गूगल क्लाउड से है। साल 2016 में एंडी को अमेज़न वेब सर्विसेज का सीईओ बनाया गया। सोशल मीडिया से एंडी तो बहुत दूर रहते हैं, लेकिन आपको बता दें एंडी को सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है बहुत कम। अधिकतर वक्त वो नई चीज़ों के इनोवेशन में लगाते हैं। अमेज़न में एंडी को एक रॉक स्टार के रूप में जाना जाता है। कुल मिलाकर जेफ बेजोस और एंडी जैसे अमेज़न के लिए हेड और टेल है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।